अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी साइंस कार्निवल क्लास 3। टुडे आवर टॉपिक इज प्रैक्टिस जोन। आज जो हमने आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसका जो है वो वन क्वेश्चन जो है वो करेंगे। व्हाई डज द अर्थ एक्सपीरियंसेस डे एंड नाइट। ठीक है, अर्थ जो है वो दिन और रात का तजुर्बा क्यों करती है, या अर्थ जो है वो दिन और रात को तब्दील क्यों करती है। इसकी जो हमने पीछे पेज नंबर 33 पे रीडिंग की थी, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, इसका आंसर बनेगा द अर्थ हैज़ डिफरेंट सीजन्स एंड एक्सपीरियंसेस डे एंड नाइट ड्यू टू इट्स मूवमेंट्स रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, अर्थ जो है वो दिन और रात को चेंज करती है और इसमें जो है मुख्तलिफ सीजन जो है वो आते रहते हैं। किसकी वजह से? मोमेंट्स की वजह से, रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से। इसका आंसर ये बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये। ठीक है, दर्थ से लेके रोटेशन और रेवोल्यूशन तक। नेक्स्ट जो है वो आज हमने रीडिंग करनी है द मून। अ सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अराउंड अ प्लैनेट। एक सैटेलाइट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जो एक सियारे के गिर्द जो है वो गर्दिश करता है। सैटेलाइट मेड बाई ह्यूमंस आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सैटेलाइट जो ह्यूमन बनाते हैं वो क्या होते हैं? मसनूई सियारे होते हैं। दे आर सेंट इनटू द अर्थ ऑर्बिट बाय रॉकेट्स, जो अर्थ में भेजे जाते हैं रॉकेट्स के जरिए। डिफरेंट सैटेलाइट हैव डिफरेंट पर्पस। मुख्तलिफ सैटेलाइट के मुख्तलिफ पर्पस होते हैं, मुख्तलिफ मकासद होते हैं, सच एज वेदर सैटेलाइट। ठीक है, जैसे वेदर सैटेलाइट है, मौसमी सियारा है दैट प्रोवाइड वेदर इंफॉर्मेशन, जो मौसम की इंफॉर्मेशन मालूमात मुहैया करता है। सैटेलाइट्स दैट सेंड टेलीविजन सिग्नल्स टू आवर होम। सैटेलाइट्स जो के टेलीविज़न के सिग्नल जो है वो हमारे घरों में पहुंचाते हैं। एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट सेंड टेलीफोन सिग्नल्स टू आवर फोन्स। हमारे फ़ोन पे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो क्या करते हैं? टेलीफोन के सिग्नल जो है वो हमारे फ़ोन तक पहुंचाते हैं या हमारे फ़ोन में भेजते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ सैटेलाइट्स हैं जो इंसानों ने बनाए हुए हैं, जो और उनके जो हैं वो मुख्तलिफ पर्पस हैं। ठीक है, जैसे वेदर सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, द मून इज़ अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। मून जो है वो ज़मीन का एक कुदरती सैटेलाइट है। डू यू नो दैट द अर्थ इज़ 50 टाइम्स बिगर दैन द मून। क्या आप जानते हैं ज़मीन जो है वो मून से 50 गुना बड़ी है। द मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ एंड टेक्स 29 1/2 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। मून जो है वो ज़मीन के गिर्द 29 days वन रोटेशन कंप्लीट करने में अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो 29 days देता है। यहाँ तक जो है वो इसकी रीडिंग है। और वन क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को पीछे करवाया, व्हाई डज द अर्थ एक्सपीरियंसेस डे एंड नाइट। ठीक है, और ये वन क्वेश्चन एज असाइनमेंट है जो आप लोगों ने सबमिट करवाना है। आई होप सो कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो की समझ में ना आए तो प्लीज़ इसे दोबारा देखिएगा। थैंक यू सो मच।